ये देखो भाई, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है, अहमदाबाद का एयरपोर्ट है। आप जरा गौर फरमाइए, रोबोटिक सर्जरी इंटीग्रेट्स एडवांस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू वर्चुअली एक्सटेंड द सर्जन्स विजन एंड हैंड्स इनटू द सर्जिकल फील्ड, रिजल्ट्स इन द सर्जरी दैट इज सेफ, एक्यूरेट एंड प्रेसाइज विद द बेटर सर्जिकल आउटकम्स। मतलब ये है कि सर्जन्स की अब जरूरत नहीं है, नाउ रोबोट्स कैन हैंडल ऑल द प्रोसीजर। सो ना इनको टीचर्स के लिए आदमियों की ज़रूरत है, ना ड्राइवर्स के लिए है, ना डॉक्टर्स के लिए है। तो आदमी की ज़रूरत किस लिए है? केवल गुलाम बनाने के लिए। बाकी के ने तो दो डोज ले रखी है, उनका तो इलाज हो ही जाएगा बढ़िया तरीके से। अभी 2025 में वो लोग कह ही रहे हैं कि नया वायरस आने वाला है, क्योंकि जो पिछले वाला केमिकल बॉडी में डला था उसकी वजह से जो लोग मरने वाले हैं और जो बीमार होने वाले हैं, उसके जो साइड इफेक्ट आने वाले हैं, उसको वो लोग नया वायरस बोलने वाले हैं। एंड दिस इज द गेम प्लान जिसमें सारी सरकारें शामिल है। कोई भाजपा नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई राहुल नहीं, कोई अरविंद नहीं, कोई आम आदमी पार्टी नहीं, कोई ममता नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे पड़े। ये अनाउंसमेंट किसी गली कूचे का नहीं, ये लाल किले का है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बोल चुका है कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंटर इनटू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें भारत कैन लीड इट, यानी कि देश का प्रधानमंत्री ही बिक चुका है। तो लाल किले से ये कहा गया था कि आने वाले समय में एक नई बीमारी आने वाली है, उसके लिए तैयार रहिए। और उस बीमारी सर यहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा है आपकी बर्बादी का, और आपको मालूम भी नहीं है। और यहाँ पे आपने इतनी सब अडानी मतलब हमारे पैसे से बनेगा, लेकिन अडानी जी कमाएंगे। और बहुत सारे समझदार लोग आपने यहाँ पे देखे जो अभी भी मास्क लगाए हुए हैं और अपने आप को पढ़ा लिखा कहलाने वाले हैं वो तो यहाँ वही लोग बचेंगे, तो मतलब करेंगे क्या, मतलब थोड़े से लोग हैं।